हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप झारखंड में हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे देखिए एक अपडेट आई है जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हो सकता है ये आपके लिए बुरी खबर हो। तो यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहती हूँ कि विधि विभाग की तरफ से यहाँ पे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर यहाँ बहुत बड़ी अपडेट आई है। रुक चुकी है इसकी नियुक्ति प्रक्रिया। तो चलिए लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए यहाँ पे देखिए बता देती हूँ, विधि विभाग की राय के बाद हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति पर होगा निर्णय। यानी कि विधि विभाग की अब यहाँ पे राय देनी बहुत ही जरूरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि राज्य में हाई स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति पर निर्णय विधि विभाग की राय के बाद लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा था। कार्मिक विभाग ने फाइल लौटाते हुए विधि विभाग की राय लेने को कहा। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव विधि विभाग को भेज दिया। ज्ञात हो कि राज्य में 2016 में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। नियुक्ति प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक पिछली नियुक्ति में रिक्त रह गए पदों को वर्ष 2016 के बाद पदों पर नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। वर्ष 2016 में नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर अब तक जितनी नियुक्ति हुई है वह जितने पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है उसे छोड़कर शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। तो यहाँ पे फाइनली यही बताया जा रहा है कि जो इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में जो कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था उसने कार्मिक विभाग ने वो फाइल लौटा दी है। और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले उन्होंने बताया है कि विधि विभाग की राय लेने के बाद ही हम कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव के लिए सहमत होंगे। तो देखिए पिछली नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति को लेकर जीरो में आरक्षण रोस्टर क्लियर किया गया। शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने का निर्देश दिया था। जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर करने संबंधित रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। विभाग स्तर पर इसका सत्यापन किया जा रहा है। नियुक्ति को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा के साथ साथ हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्ति नियमावली में भी संशोधन किया गया है। तो देखिए इसके जो है अभी तक इसका फाइनल डिसीजन हाई स्कूल टीचर के लिए नहीं आया है, इसमें अभी थोड़ी सी अड़चन आ गई है। तो देखिए जैसे इसका फाइनल डिसीजन होता है जब विधि विभाग भी इस पे राय दे देती है तो इसका जो है नियुक्ति ला दिया जाएगा, विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस सब की अपडेट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अभी तक इस चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं।